आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो साथियों, आज हम भाई जी से जानेंगे इनकी कंपनी के साइलेज के बारे में। तो चलिए जानते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। आज हम आपके स्टॉल पे आए और यहाँ देख रहे हैं कि जो है कई प्रकार के साइलेज आपने पैक किए हुए हैं। तो पहले अपना परिचय और अपनी कंपनी के बारे में सभी किसान भाइयों को जानकारी दें। सभी डेयरी फार्मिंग जो भी किसान भाई हैं, सभी को राम राम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो हमारी कंपनी है उसका नाम है न्यूट्री मील साइलेज एग्रो राजपुरा, ये पंजाब की कंपनी है। और जो हमारी कंपनी है ये कम से कम 5 साल पुरानी मक्के का साइलेज तैयार करने वाली कंपनी है, इंडिया की पहली। और दुनिया के जो महंगे बेलर हैं, ऑरकल के बेलर हैं और जो नार्मे के बने हुए हैं, उनसे हम साइलेज तैयार करते हैं। ये हम मक्के का भी साइलेज तैयार करते हैं और 2-3 महीने से पहले हम शुगर केन का भी साइलेज तैयार करा है। जो हमारे पास साइलेज है वो 500 केजी का भी बैग है, 100 केजी का भी बैग है। जो जिस फार्मर की डिमांड जैसी होती है, जो बड़े फार्मर डेयरी फार्मिंग होते हैं उनको हम बड़े बैग दे देते हैं, जो 2-4 जानवर वाले होते हैं उनको हम छोटा बैग दे देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने साइलेज के बारे में कहा, मतलब साइलेज की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है या पशु को साइलेज कितना लाभदायक है, उसके बारे में जरा किसान भाइयों को डिफाइन करके बताएं। जो न्यूट्रिशन हम बोलते हैं कि जो उसमें प्रोटीन है वो 7-9% होता है मक्के में। जो हमारे जानवर को हम साइलेज मक्के का देना है वो कम से कम 15-18 केजी हम डेली दे सकते हैं। अगर केला साइलेज नहीं देना है, अगर इसमें और कुछ देना है, मान के चलो इसमें ड्राई जो ग्रीन फॉडर होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, चरी होती है या कुछ और भी बरसीम होता है, तो हम एक जानवर को उसमें 15-18 केजी मक्के का साइलेज दे सकते हैं। अगर हमने बरसीम या ग्रीन फॉडर नहीं देना है, बाजरा चरी नहीं देनी है, तो एक जानवर को जो 10-12 लीटर दूध देती है 25-28 केजी अकेला साइलेज दे सकते हैं और उसमें 2-2.5 केजी तूड़ी दे सकते हैं। एक मैं और भी बात बता देता हूं, जैसे हम मान लो फीड पा रहे हैं जानवर को 7-8 केजी एक दिन की फीड पा रहे हैं, जब हमें साइलेज डालते हुए 15-20 दिन हो जाए, 20-25 दिन हो जाए साइलेज डालते हुए, तो धीरे धीरे करके हम 1.5-2 केजी उसकी धीरे धीरे फीड कम कर सकते हैं। साइलेज की सबसे बड़ी खूबी है, जो प्राप्ति है या इसका जो बेनिफिट है, ये है कि जानवर की फैट भी बढ़ती है, जानवर हेल्थी होता है और इससे जो दूध है 1.5 से लेकर 2 लीटर दूध बढ़ता है, उसकी फैट बढ़ती है, NSF बढ़ता है। तो सर, आप जैसे कि कोई क्वेश्चन करना चाहें सर से या कोई जानकारी इसके बारे में लेना चाहते हैं? सब एक ये दसो सानू, मान लो जो तुम पैकिंग करते जी है ना, एक तो मक्की का क्या, इस तो बाद गन्ने का क्या, एक गन्ने का नमक करना शुरू किया, ये वेखो कि जो गन्ने का साइलेज पाया वो जो प्यार होगा गन्ने की स्मैल पै रहे ना लाण अर्गी हो जाती हूँ, तो ये जेडे दुध वा दुध लाण की स्मैल आऊगी कि नहीं आऊगी? देखो जी, जे असी 100% गन्ना पावे, गन्ना असी पा किन्ने दिन रहे हैं पहला तो यह देखना सी, जो असी 100% गन्ना पावे तो ये दुध चो स्मैल हो सकती है, आ भी सकूगी, आऊगी भी स्मैल ज्यादा जो पावे लंबे समय लिए 2 महीने लिए पावे ज 100% गन्ना पाना। पहली तो गल, गन्ना पाना 100% बिल्कुल गलत आ। ये जेडे जानवर साढ़े सून वाले ने या प्रैगनेंट ने 7-8 महीने हुए ने, फिर अबॉर्शन हो जाता,
ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਜ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 7-8 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਲਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5-6 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੈਲਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੰਨਾ ਹੈ ਹਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਸਕੋ ਖੇਤ ਸੇ ਕਾਟ ਕੇ ਗਾਏ ਕੋ ਬੈਸ ਕੋ ਹਮ ਦੇਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਵੀ ਹਮ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਹਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲ ਗੰਨੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਂਗੇ 100% ਗੰਨਾ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਗੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤੇ। ਗੰਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਇਲੇਜ ਹੈ ਵੋ ਮੱਕੀ ਕਾ ਸਾਇਲੇਜ ਸਬਸੇ ਬੈਸਟ ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਕੇ ਕਾ ਸਾਇਲੇਜ ਹੈ ਵੋ ਹੀ ਸਬਸੇ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਡਾਲਨੇ ਕੋ ਲੋਗ ਰਾਈ ਕਾ ਵੀ ਸੈਲਜ ਡਾਲਤੇ ਹੈ, ਬੀਟ ਕਾ ਵੀ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਗੇਹੂੰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸਕਾ ਵੀ ਸੈਲਜ ਡਾਲਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੱਕੇ ਕਾ ਹੈ ਸੈਲਜ, ਇਸਕੋ ਜੋ ਆਲ ਵਰਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਕੇ ਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਮਾਨਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਆਪ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਲਜ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਲੇਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਮ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ ਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਯੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸੈਲਜ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਕੋਰਨ ਸੈਲਜ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਸਪਲਾਈ ਹਮਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਮੇਂ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੰਦੌਰ ਹੈ, ਭੋਪਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਸੈਲਜ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮ ਉਸਕੋ ਸੈਲਜ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਪਸੇ ਸੈਲਜ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਔਰ ਰਾਜ ਮੇਂ, ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਪਕੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਕੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਜੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਨੇ ਸੈਲਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰੀ ਵੀਲ ਸੈਲਜ ਐਗਰੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਬਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਉਸਕੋ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, 9918062866 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9815306286। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9918062866 ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 9815306286। ਜੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਇਸੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂ ਵੀ ਆਪਕੋ ਸੈਲਜ ਚਾਹੀਏ ਮੱਕੇ ਕਾ ਗੰਨੇ ਕਾ ਵੋ ਸੈਲਜ ਆਪਕੋ ਹਮ ਦੇਂਗੇ। ਤੋ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਔਪਚਾਰਿਕ ਬਾਤੇਂ ਥੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਥੀ ਵੋ ਸਭ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰੇਟ ਕਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਵੋ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸਕਾ। ਜੋ ਹਮ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ PDFA ਕਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਜਗਰਾਓਂ ਮੇਂ, 2019 ਜਗਰਾਓਂ ਕਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਜਗਰਾਓਂ ਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਵੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ 100 KG ਕਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ ਜੋ ਮੱਕੇ ਕੀ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਹੈ 5 ₹25 ਪਰ KG, ਜੇ ਐਕਸ ਕਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਰੇਟ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹਾ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਗੰਨੇ ਕਾ ਰੇਟ ਹੈ 500 KG ਕਾ ਬੈਗ ਕਾ, ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਹੈ ₹4.25। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜੇ ਹੈ ਜੋ 100 KG ਕਾ ਮੱਕੇ ਕਾ ਬੈਗ ਹੈ ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਹੈ ₹6 ਪਰ KG, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੰਨੇ ਕਾ ਸੈਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕਾ, ਉਸਕਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ₹4.75 ਪਰ ਕੇਜੀ, ਵੋ 100 KG ਕਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਮੇਂ ਗਾੜੀ ਮੰਗਵਾਏਗਾ
वो हम ट्रांसपोर्ट उसको बता देंगे कि वो आदमी दिल्ली में मंगा रहा है, इंदौर में मंगा रहा है, लुधियाने में मंगा रहा है, पठानकोट में मंगा रहा है, वो एक अलग चार्जेज में होंगे। तो सर आपने सभी किसान भाइयों को ये जानकारी दी और अपनी कंपनी और अपने साइलेज के बारे में सब कुछ बताया, उस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट में बाद में और बताना चाहता हूँ, जो जो मक्के का साइलेज है, हम दो मक्कों का साइलेज बनाते हैं, जो पॉइनियर सीड है उसका जो बेस्ट क्वालिटी है वो है 1844 और दूसरा है मोनसेंटो, उसका भी जो जिसको बोलते हैं 9108, जो दुनिया की या इंडिया की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है कॉर्न के लिए जो सैलज बनता है, मोनसेंटो और पॉइनियर सीड की, जो जो पॉइनियर सीड है आजकल वो चेंज होकर कोटेबा भी चली गई है, जो दोनों मक्कियों को हम सैलज बनाते हैं। जो भी किसान भाई हैं, मैं लास्ट में आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओके, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू जी, थैंक यू। तो साथियों, आपने भाई जी से ये जानकारी ली और उसके बारे में सब कुछ जाना। अगर किसी भाई को साइलेज मंगाना है तो हमारी वीडियो की स्क्रीन पर सर का नंबर चल रहा है, वहाँ से आप कॉल करके साइलेज मंगा सकते हैं और ये लाभ उठा सकते हैं। अगर ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।